नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लद्दाख बस हादसे में शहीद हुए हजारीबाग के जवान संदीप पाल का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पहुंचा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, मंत्री चंपई सोरेन, आर्मी के जवान और शहीद के परिजनों ने एयरपोर्ट पर ही शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इतना ही नहीं, रांची एयरपोर्ट पर मौजूद सभी लोग शहीद के पार्थिव शरीर को नम आंखों से निहारते रहे। वह शहीद को याद करते हुए राज्यपाल रमेश बैस और मंत्री चंपई सोरेन ने कहा, यह बहुत ही दुखद घटना है। संदीप पॉल का सपना था कि वह दुश्मन की गोली सीने पर ले, लेकिन इस तरह की घटना में उनकी शहादत दुख देने वाली है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि शहीद के परिजनों को भगवान दुख सहने की शक्ति दे। हम आपको बता दें कि 27 मई को लद्दाख के श्योक नदी में हुए हृदय विदारक बस हादसे में इंडियन आर्मी के 7 जवान शहीद हो गए, जिनमें हजारीबाग के एक जवान 28 वर्षीय संदीप पॉल भी थे। संदीप पॉल इंडियन आर्मी सिख रेजिमेंट 22 बटालियन के जवान के रूप में लद्दाख में पोस्टेड थे। शहीद संदीप पॉल हजारीबाग के खीर गांव के निवासी थे। संदीप कुमार पाल का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट लाया गया। जब ये समाचार में हमने सुना झारखंड का एक जवान लद्दाख में बस नदी में गिरने से 7 जवान शहीद हो गए, तो जिसमें एक हमारे झारखंड के संदीप पाल हैं, आज उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। यह जवान झारखंड का नाम रोशन किया और उनकी इच्छा थी कि मैं दुश्मन के सामने लड़ते हुए छाती में सीने में मैं गोली खाऊं, लेकिन ऊपर वाले की जो लिखा है कि आज एक दुर्घटना में वो शहीद हो गए, मैं उनके विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार वालों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। देश का रक्षा के लिए अपना मोड आती है। इस तरह का घटना से मुझे भी प्रदेश के या देश के जनता की रुचि है, हम भी प्रार्थना करेंगे ऐसा दुख की घड़ी में संदीप पाल का जैसे परिवार को सहन शक्ति दे और कुछ बड़ा देश को रक्षा करने के लिए सेना के ऊपर निर्भर एक ऐसा जगह में रहते हैं जहाँ पर घोड़ा पहाड़ पर्वत सभी तरह का देश का रक्षा, इसलिए हम संदीप पाल का देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, परिवार को सहन से करते हैं।